नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खरगोन जिले में पंचायत स्तर पर सरपंच सचिव की मनमानी का बंदरबांट पूरी तरह भर गया है और अब आए दिन ग्रामीण जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में भिकन गांव जनपद के ग्राम पंचायत भगवानपुरा के निवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आपबीती सुनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जनहितकारी योजनाओं के क्षेत्र में महकमा मनमानी करके शासन के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से इस बात का खुलासा किया है कि महकमा शासन के पैसों की बंदरबांट करके खुद के जेब गर्म कर रहे हैं और हितग्राही दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो चला है। बहरहाल ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। भगवानपुरा तहसील भिकन गांव से आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। विगत 10 से 15 सालों से 25-30 लाख का गबन हुआ है, जिसमें गांव के नागरिक, जनपद पंचायत के बहुत सारे अधिकारी, इंजीनियर, जिला जनपद CO, इसे बहुत सारे अधिकारियों ने मिलकर गबन किया है। इसी में हमारे गाँव में बहुत सारे जो शासकीय कार्य आते हैं उनका काम नहीं हुआ है आज तक। इसी के लिए हम आज जिला पंचायत आए हैं। जैसे कौन से काम है जिसमें ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है? जैसे आवास कुटी, सीसी रोड निर्माण, पौधारोपण, मनरेगा कार्य, इनमें सबसे ज्यादा वेल्डर, जो फर्जी व्यक्ति है उनको वेल्डर बनाकर कहीं पैसों का गबन किया गया है। उनके अकाउंट में डाल डाल के पैसों का गबन किया गया है। उनकी हमको जानकारी चाहिए और हमने जन सूचना के तहत जो जानकारी मांगी थी उससे हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। उसमें बहुत सारे फर्जी बिल मिले हैं हमको। सभी बिल, जो बिलों की जांच हो और इनको कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो, सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीष चौहान। कहाँ से? ग्राम पंचायत भगवानपुरा तहसील विकनौर।